हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त। स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ वीमेंस में। यहां हम महिलाओं से जुड़ी हुई हर समस्याओं के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इम्प्लांटेशन फेस के दौरान शरीर में कौन कौन से बड़े बदलाव आते हैं। अगर ये शरीर में बदलाव आपको आपके इम्प्लांटेशन फेस के दौरान दिख रहे हैं तो इससे आप कन्फर्म कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है, आपने सक्सेसफुली गर्भधारण कर लिया है। ये जो मैं आपको सिम्टम्स बताने जा रही हूँ, ये खास सिम्टम्स इम्प्लांटेशन के दौरान ही आते हैं जब किसी महिला का सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको जानना ज़रूरी है अगर आप भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, क्योंकि अगर आपको ये सिम्टम्स पता होंगे तो आप उस हिसाब से अपने आप को आपकी अपनी केयर कर पाएंगी, अलर्ट रहेंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते पीरियड्स और इम्प्लांटेशन फेस में जो शरीर में बदलाव आते हैं, जो सिम्टम दिखते हैं, वो उनमें फ़र्क नहीं कर पाते और फिर वो सावधानी नहीं रख पाते, जिसकी वजह से उनका गर्भपात हो जाता है, उनका मिसकैरेज हो जाता है। तो आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो, इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है ताकि आप सावधानी रख सकें, अपना और अपने बच्चे का ख्याल रख सकें। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जब इम्प्लांटेशन फेज़ आता है तो इसका मतलब होता है कि वो महिला ने सक्सेसफुली गर्भधारण कर लिया है। अब अगर गर्भधारण हुआ है तो उसके सिम्टम्स भी दिखते हैं। लगभग सभी महिलाओं को वो सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जिनको नहीं दिखते हैं उनमें हार्मोन्स की कमी होती है। अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी रुक गई है पर उन्हें सिम्टम्स कुछ भी नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनमें हार्मोन्स की कमी है, जिसकी वजह से उन्हें सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता, ऐसा सिर्फ किसी किसी महिला के ही साथ होता है। बाकी सब महिलाओं में अगर प्रेगनेंसी रुकती है तो उनके सिम्टम्स भी उन्हें दिखते हैं। अब अगर इम्प्लांटेशन आपका सक्सेसफुली हो गया है, आपका इम्प्लांटेशन फेस चल रहा है, तो उस दौरान फिर आपके शरीर में क्या बदलाव आएंगे, जिससे कि आप समझ सकेंगे कि आपका सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो गया है और आपने गर्भधारण कर लिया है। तो उस दौरान जो बदलाव शरीर में आते हैं जो कि आपको दिखाई देंगे, पहला तो होगा कि आपके जैसे पीरियड्स मिस हुए हैं तो आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग वैसे तो बहुत हल्की होती है, स्पॉट्स में होती है, लेकिन क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबके पीरियड्स अलग अलग होते हैं, बॉडी अलग अलग होती है, तो कई बार ब्लीडिंग भी नॉर्मल से ज़्यादा हो सकती है, स्पॉट्स से भी ज़्यादा हो सकती है। तो बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का जो कलर होता है वो रेड नहीं होता है, वो ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन होता है, चॉकलेट ब्राउन होता है, कई बार हल्का ब्लैक भी होता है, लाइट पिंक कलर का भी होता है। तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो कलर आ रहा है वो कैसा है, क्योंकि पीरियड्स का कलर रेड होता है, तो आप उसके कलर पे ध्यान दीजिए। अब वो किस टाइम पे आ रहा है, आपके पीरियड्स आने वाले हैं उसके 3 से 4-5 दिन पहले आ रहा है, पीरियड डेट पे भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है और पीरियड डेट के बाद भी होती है। अगर किसी के पीरियड्स मिस हो गए हैं और उसके बाद भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें ब्राउन स्पॉट्स आएंगे, आपको पेट में हल्के हल्के मरोड़ जैसे पीरियड्स में आते हैं उस टाइप का दर्द भी महसूस होगा। कई बार पीरियड्स मिस हो जाते हैं लेकिन पेट में पीरियड जैसा दर्द होता है, ये भी सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन का सिम्टम होता है कि लगेगा कि आपको पीरियड्स आने वाला है लेकिन वो पीरियड आता नहीं है, दर्द आपको पीरियड जैसा ही होगा लेकिन पीरियड्स नहीं आएंगे। उस जगह पे या तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी, और क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हर महिला को नहीं होती है तो सिर्फ पीरियड्स मिस हो जाएंगे और ऐसा दर्द आपको 4 से 5 दिन तक महसूस होता रहेगा। तो इससे आप कन्फर्म कर सकते हैं कि आपका सक्सेसफुली गर्भधारण हो गया है। दूसरा जो सिम्टम आता है सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन का, कि जब आपको सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होगा तो आपको कमर में अपने दर्द होगा, आपको थकान महसूस होगी, हल्का फीवर भी हो सकता है, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। ये सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन का लक्षण होता है जब कोई महिला गर्भधारण कर लेती हैं। अगर आपको आपका टाइम चल रहा है, आपके पीरियड्स आने वाले हैं अभी नहीं आए हैं, या फिर पीरियड्स मिस हो गए हैं और आपको इस तरह का सिम्टम दिख रहा है, तो इससे भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है, आपने सक्सेसफुली गर्भधारण कर लिया है। तीसरा जो सिम्टम होता है कि जैसे वॉमिट आना, नौजिया लगना, ये शुरुआती कुछ लक्षण होते हैं जो कि बताते हैं कि सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हुआ है। तो जब जैसे ही आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होगा, जो कुछ खास सिम्टम्स होते हैं कि पीरियड जैसा पेन होता है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, यूरिन बहुत जल्दी जल्दी आने लगता है, जल्दी जल्दी यूरिन आना भी सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन का ही सिम्टम होता है, जो कि एकदम शुरुआत में ही प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है जस्ट
तभी आना शुरू हो जाता है। आपको थकान, कमजोरी, घबराहट लगना, तबीयत आपकी ठीक नहीं लगेगी, आपको आपको फीवर लगेगा, पैरों में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, ये लक्षण आपके सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के होते हैं। क्योंकि एक जिंदगी बनाने का जो प्रोसेस चल रहा है आपके शरीर के अंदर, उसकी जो थकान है, उसकी जो कमजोरी है, वो आपको ऊपर से महसूस होगी, और साथ में आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी, प्यास भी ज़्यादा लगेगी, गर्मी भी ज़्यादा लगेगी। ये भी सिम्टम्स होते हैं सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के। तो अगर आपको भी इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि जो आपके साथ हो रहा है वो इससे पहले नहीं हुआ है कभी, तो आप समझ जाइए कि आपका गर्भधारण हो गया है, आपका इम्प्लांटेशन हो गया है। अब अगर इम्प्लांटेशन हो गया है तो उसके बाद आपको सावधानियां रखने की ज़रूरत है, उसके बाद बहुत एहतियात रखने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत होती है कि मिसकैरेज जैसी दुखद घटना का सामना किसी को भी ना करना पड़े। ये हर महिला के लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। तो अगर आपको ये सिम्टम दिख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप माँ बन चुकी हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस पर वीडियो हम इसके बाद अपलोड करेंगे। उस वीडियो को देखें और जो सावधानियाँ बताई जाएँ उसे ध्यान में ज़रूर रखें। ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक देना मत भूलिएगा। और बेस्ट केयर ऑफ वीमेंस पे फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर हम महिलाओं से जुड़ी हुई ऐसी ही ज़रूरतमंद जानकारी लेकर के आते हैं। तो चलिए मिलेंगे हमारे नए वीडियो में किसी नई और ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।